मेरा नाम है शीतल राजपूत। आई वेलकम यू ऑल टू जेके एग्जाम क्रैकर। गाइस, आज हम करने वाले हैं लास्ट महीने दिसंबर के करंट अफेयर 2021 दोनों के रहेंगे। अभी तक मैं 11 वीडियोस मंथ वाइज जेएनके के करंट अफेयर पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देख लेना, ठीक है? तो आज हम दिसंबर के करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जम्मू एंड कश्मीर टीम फॉर डीफ। डीफ क्या होता है? जो सुन नहीं सकते हैं। गॉट फर्स्ट पोजीशन इन फर्स्ट वर्ल्ड डीफ जूडो चैंपियनशिप। और ये कहाँ पर हुई? जिसमें जम्मू कश्मीर ने फर्स्ट पोजीशन लाई है, और ये पहला ऐसा कुछ वर्ल्ड डीफ जूडो चैंपियनशिप हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ है? फ्रांस में, जर्मनी में, चाइना में, जापान में। तो ये हुआ है गाइस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में। तो इसका आंसर होगा फ्रांस। ए इज अ राइट आंसर। चलिए, इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम। ये जो कंपटीशन हुआ, ये सीनियर जम्मू एंड कश्मीर टीम के बीच में हुआ। फॉर डीफ सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड डीफ जूडो चैंपियनशिप 2021, जिसको वर्सलीज का जो महल है, पैलेस है पेरिस में, वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया अक्टूबर महीने में। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है 9th स्टैंडर्ड की, वहाँ पर आपको जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जब आप पढ़ेंगे, तो वर्सलीज के पैलेस का जिक्र वहाँ पर है, वो आप पढ़ सकते हैं। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज भी एक हुई थी। कमेंट बॉक्स में बताना किस किस के बीच में हुई थी। ये जो चैंपियनशिप है, इसको ऑर्गेनाइज कराया इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीफ ने। फ्रॉम द इंडियन टीम जो रक्षांदा महक है, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। रक्षाना महक ने ब्रोंज मेडल जीता है। एंड शी हैज़ डिफीटेड द साउथ कोरियन टीम इन द सेमीफाइनल। साउथ कोरिया को हराया है हमारे इंडिया से, जम्मू एंड कश्मीर ने, ठीक है। हाईलाइट्स की अगर मैं बात करूँ, तो नेशनल गर्ल्स टीम सिक्योर द ब्रॉन्ज मेडल। निर्जारा उम्मेद ऑफ हरियाणा अंडर 57 kg कैटेगरी, दिव्या तिवारी ऑफ उत्तर प्रदेश अंडर 52 kg कैटेगरी ने भी मेडल्स यहाँ पर लाए हैं। अगर इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीफ की बात करें, 1924 में इसको बनाया गया था। इंटेरियम जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे है पैराजोलो, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, NHM जम्मू एंड कश्मीर ने रिसीव किए अवार्ड फॉर स्वास्थ्य निधि सर्वे ऐप एट कौन से डिजिट ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड सबमिट में। मतलब कौन से नंबर की ये जो सबमिट है ये हुई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? इसका आंसर है फोर, फोर्थ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड समिट 2021 में जो हुई, उसमें जम्मू एंड कश्मीर ने स्वास्थ्य निधि सर्वे ऐप में अवार्ड मिला है इनको, ठीक है। तो डी इसका सही आंसर है, डी इसका सही आंसर है। चलो देखिए, 18 नवंबर 2021 को फोर्थ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन समिट एंड अवार्ड 2021 टाइटल टूवर्ड्स इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्चुअली ऑर्गेनाइज करवाया गवर्नमेंट ने। नाउ द प्रीमियर पब्लिकेशन ऑन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस फ्रॉम श्री अधिकारी ब्रदर्स ग्रुप। जो की थीम्स थी वो क्या थी? डिजिटल हेल्थ, डिजिटल एग्रीकल्चर, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट विलेजेस, अर्बन गवर्नेंस, डिजिटल एजुकेशन, नेशन एजुकेशन पॉलिसी। पढ़ी है आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है, ठीक है। डिजिटल सिक्योरिटी गवर्नेंस। नाउ फोर्थ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 में JNK एंड हिमाचल प्रदेश ने अवार्ड जीते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग, एंड रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड डिजिटल इंडिया। और इस जो वर्चुअली ये सबमिट हुआ, इसमें रिकॉग्नाइज किया गया जो भी हमारी सरकार जो इनिशिएटिव्स और एफर्ट्स लगा रही है डिजिटल इंडिया के कैंपेन में। जम्मू कश्मीर की बात करें, नेशनल हेल्थ मिशन NHM जम्मू कश्मीर ने एक अवार्ड जीता अंडर द डिजिटल हेल्थ कैटेगरी फॉर द स्वास्थ्य निधि सर्वे ऐप। तो ये कैटेगरी आपको याद रखनी है, डिजिटल हेल्थ कैटेगरी, किसके अंदर? स्वास्थ्य निधि सर्वे ऐप के अंदर। इस ऐप को यूज़ किया है एक डिजिटल अप्रोच की तरह, ताकि हम जो भी ट्रैक कर सकें, जो भी सस्पिशियस COVID-19 के पेशेंट्स हैं, और उन पर टाइमली एक्शन लिया जा सके, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज लेवल पर हम रिस्क को कम कर सकें, ये हमारा मेन मकसद है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो इनको जो मिला है डिजिटल हेल्थ के लिए ही मिला है, फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में इन्होंने जीता है, इनको प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नीति आयोग का पहला नेशनल MPI 2021, इसमें से कौन सी स्टेट ने लोवेस्ट रैंक किया है और बिहार ने हाईएस्ट किया है। तो पहली बार कौन सी स्टेट है जो लोवेस्ट आई है? केरला, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान। इसका जो आंसर है वो है केरला। तो ए इसका सही आंसर है।
आगे देख लेते हैं हम। नीति आयोग का पहला नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 बेसलाइन रिपोर्ट, जिसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश ने पोअरेस्ट स्टेट में आई हैं ये इंडिया में। ऑन द अदर हैंड केरला की क्या है, पॉवर्टी जो है सबसे कम है केरला में, उसके बाद गोवा में, सिक्किम में, तमिलनाडु में, पंजाब में। इंडिया का फर्स्ट एवर नेशनल एमपीआई मेजर है ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। और 15-16 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रेफरेंस पर हमने ये किया है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एमपीआई 2021, इंडिया का जो रैंक है वो 66 है आउट ऑफ 109 कंट्रीज, 66 आउट ऑफ 109 अगर हम ग्लोबली एमपीआई की बात करें, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें। असेसमेंट की बात अगर हम करते हैं तो इसको डेवलप किया है नीति आयोग ने इन कंसल्टेशन विद द 12 मिनिस्ट्रीज, इन पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द इंडेक्स पब्लिकेशन एजेंसी दैट इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूएनडीपी भी आप याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। इट हैज थ्री इक्वली वेटेड डायमेंशंस, कौन कौन से, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कि 12 इंडिकेटर के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। वो 12 इंडिकेटर है न्यूट्रिशन, चाइल्ड एडोलेसेंट मॉर्टलिटी, एंटीनेटल केयर, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट्स एंड बैंक अकाउंट्स। ये 12 डायमेंशन हैं इसके, ठीक है, इंडिकेटर्स हैं इसके 12। स्टोरी ऑफ यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें, दादर एंड नागर हवेली, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद दमन एंड दीव, उसके बाद चंडीगढ़ ने पुअरेस्ट यूटीज की कैटेगरी में फॉल किया है। पुडुचेरी जो है सबसे ज़्यादा 1.72% ऑफ इट्स पॉपुलेशन जो है वो गरीब है, उसके बाद लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और दिल्ली फार बेटर है ये ऊपर वाली यूनियन टेरेटरीज से, जिसमें हमारा जम्मू एंड कश्मीर भी फॉल कर रहा है, जिसमें 12.58% गरीबी जो है। की पॉइंट्स की अगर हम बात करें, इन अकॉर्डेंस विद द रिपोर्ट 51.91 ऑफ द पॉपुलेशन बिहार की वो गरीब है, इसके बाद इतनी झारखंड, ये कुछ डेटा यहाँ पे दिया है, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी का जो रैंक है वो वर्स्ट आया है चाइल्ड और एडोलोसेंट मॉर्टलिटी कैटेगरी में, इसके बाद बिहार, इसके बाद एमपी। झारखंड वर्स्ट आया परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो सैनिटेशन से डिप्राइव है, इसके बाद बिहार, इसके बाद उड़ीसा। मणिपुर वर्स्ट परफॉर्म किया है पॉपुलेशन डिराइव्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ही नहीं है भाई, फिर मेघालय, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, ठीक है। नागालैंड वर्स्ट है किसमें, एसेट्स की कमी में, इसके बाद मेघालय, और ये सब आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सी स्टेट या यूटी का सदर बाजार पुलिस स्टेशन का रैंक 1 आया है, बेस्ट पुलिस स्टेशन की कैटेगरी में फॉल किया है इंडियाज़ टॉप 10 पुलिस स्टेशन फॉर 2021 की कैटेगरी में। दिल्ली का सदर बाजार है, जम्मू कश्मीर का सदर बाजार है, पंजाब का सदर बाजार पुलिस स्टेशन, या यूपी का सदर बाजार पुलिस स्टेशन। अगर आपको ये भी पता है कि सदर बाजार कहाँ पर है, आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली। तो दिल्ली का, दिल्ली का जो ये सदर बाजार पुलिस स्टेशन है, इसका रैंक 1 आया है। और आगे देखते हैं हमारे जम्मू कश्मीर का क्या रैंक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए। यहाँ पे देख लो, सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली हैज टॉप द एनुअल लिस्ट ऑफ इंडिया टॉप 10 पुलिस स्टेशन फॉर 2021, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर रिलीज करती है। गंगापुर पुलिस स्टेशन इन गंजाम उड़ीसा सेकेंड पोजिशन पर आया है। बट्टू कलान पुलिस स्टेशन फतेहबाद हरियाणा थर्ड पोजीशन पर आया है। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने प्रेजेंट की ट्रॉफीज टू द स्टेशन हाउस ऑफिसर्स एसओचओज को मिली है ये, ऑफ द टॉप 3 स्टेशन एट द डायरेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस, डीजीपी की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें इन 3 पुलिस स्टेशन के जो एसओचओज हैं इनको अवार्ड वगैरह मिले। इसको ऑर्गेनाइज किया था आईबी ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे देखो, जो अदर पुलिस स्टेशन है जो टॉप 10 में आए हैं वो गोवा का है, कर्नाटका का है, लक्षद्वीप का है, महाराष्ट्र का है, तमिलनाडु का है, और यहाँ पर आ गया हमारा बसंतगढ़ पुलिस स्टेशन उधमपुर जम्मू कश्मीर। तो ये ही आपको याद रखना है दैट उधमपुर का जो बसंतगढ़ पुलिस स्टेशन है जम्मू कश्मीर का, ये भी इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, एंड बिहार भी है, ठीक है। रैंकिंग प्रोसेस एसेस करता है परफॉर्मेंस ऑफ पुलिस स्टेशन ऑन पैरामीटर, जैसे कि वो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस को कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन को कैसे हैंडल कर रहे हैं, वीकर सेक्शन के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं उनको कैसे हैंडल कर रहे हैं, पर्सन जो मिस हो जाते हैं, मिस गुम हो जाते हैं, उनको केसेस को कैसे हैंडल कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, अप्रोचेबिलिटी ऑफ पर्सनल, फीडबैक ऑफ सिटीजन, इनसे कैसे डील कर रहे हैं। तो इस बेसिस पर ये अवार्ड मिलता है बेस्ट पुलिस स्टेशन का। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, हर्षवर्धन जी ने इनॉग्रेट किया इंडिया का हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर एट विच प्लेस, लेह, करगिल, कुलगाम, अनंतनाग। तो ये जो किया है, ये किया है लेह लद्दाख में, तो इसका आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख, ठीक है।
ए इसका सही आंसर है। यहाँ पे देख लीजिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया इंडिया का हाईएस्ट मीटरोलॉजिकल सेंटर एट लेह लद्दाख। ये सिचुएटेड है 3500 मीटर्स फ्रॉम द मीन सी लेवल। राधा कृष्ण माथुर जो कि एलजी है लद्दाख के, एंड जमयांग सीरिंग नामग्याल जो एमपी है लद्दाख से, वो गेस्ट ऑफ ऑनर थे इस इवेंट के। दिस इज इंडिया सेकेंड मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो हिमालयाज में लोकेटेड है। पहला की बात हम करें तो पहला जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर है वो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है, फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ पर है? ईटानगर अरुणाचल। अरुणाचल द मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैज बिन इस्टेब्लिश्ड टू प्रिवेंट द लॉसेज ड्यू टू वेदर इवेंट सच एज क्लाउड ब्रस्ट, फ्लैश फ्लड्स, एवलॉन्चेज एंड ग्लेशियर लेक आउट ब्रस्ट, एंड टू स्ट्रेंथन द अर्ली वार्निंग सिस्टम इन लद्दाख। तो ये मेट्रोलॉजिकल सेंटर क्यों हमने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है? जो भी लॉस वगैरह होता है बैड वेदर कंडीशन से, जैसे कि बादल का फटना या फ्लैश फ्लड्स वगैरह आना, एवलॉन्चेज होना, ग्लेशियर्स जो फटते हैं, ये सब की वजह से हम पहले ही अर्ली वार्निंग दे दें लोगों को, तो इससे हमारा जो नुकसान है वो कम होगा। डॉक्टर एम राजीवन सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, विपिन चंद्रा ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, एंड डॉक्टर एम मोहपात्रा डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएमडी यहाँ पर प्रेजेंट थे। एट प्रेजेंट 28 मेट्रोलॉजिकल सेंटर अक्रॉस इंडिया है, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। एट प्रेजेंट 28 मेट्रोलॉजिकल सेंटर इंडिया में है। की पॉइंट्स की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट सर्विसेज जैसे कि हाईवे फोरकास्ट, फोरकास्ट फॉर मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग, एग्रीकल्चर, फ्लैश फ्लड वार्निंग, लो एंड हाई टेम्परेचर, ये सब भी पब्लिक के लिए अवेलेबल रहेगा। आईएमडी आल्सो सेट टू रीलोकेट इट्स मूवेबल रडार फ्रॉम सोनमर्ग टू लेह रीजन। अब जो सोनमर्ग में रडार था हमारा, उसको हम लेह रीजन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। बींग आ सिस्मोलॉजिकली एक्टिव रीजन, साइंटिस्ट विल ऑल्सो गैदर सिस्मोलॉजिकल डेटा एट द लेह मेट्रोलॉजिकल सेंटर। तो क्योंकि यहाँ पे भूचाल वगैरह भी काफ़ी आते रहते हैं, तो अर्थक्वेक से भी डील करने के लिए ये हम यूज़ कर सकते हैं। आई एम डी विल प्रोवाइड अ रेंज ऑफ वेदर फॉरेस्ट सर्विसेज जैसे कि शॉर्ट रेंज, मीडियम एंड एक्सटेंडेड टू वन वन पीरियड, मतलब एक मंथ का भी यहाँ पर आपको वेदर फोरकास्ट मिल सकता है डेली बेसिस पर लेह और करगिल में। अब यहाँ पर देखो, एडिशनल जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं यहाँ पर लद्दाख के पास, चार ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं, दो लेह में और दो करगिल में। इनमें से एक द्रास में है जो कि कोल्डेस्ट प्लेस है इंडिया की। वर्ल्ड की कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है कमेंट बॉक्स में बताना। फर्दर इम्प्रूव करने के लिए नेटवर्क आईएमडी ने इस्टेब्लिश किया है AWS एट की लोकेशंस, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस कहाँ कहाँ, नुब्रा, जंस्कार वैली, पैंगोंग सो, द्रास एंड करगिल में भी इसको इस्टेब्लिश किया है। इराटिक वेदर इवेंट्स इन लेह और लद्दाख क्यों होते हैं? माउंटेन्स वगैरह ऐसे हैं, वेजिटेशन वहाँ की ऐसी, इस वजह से। रिलेटेड न्यूज़ की बात करें, इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है डायनामिक इंपैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम भी देता है, सो दैट हम इकोनॉमिक लॉस और डैमेज टू प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर सकें जो इंडिया में एनुअली कोस्ट पर आती रहती है। अगर हम आईएमडी की ही बात करें, इट इज़ अ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, डायरेक्टर जनरल है मृत्युंजय मोहपात्रा, एंड हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट इनमें से कौन सा अवॉर्डी फ्रॉम जेन के जिसका नाम कुलदीप हांडू है, इनको अपॉइंट भी किया है फिट इंडिया मूवमेंट के लिए, ये एम्बेसडर है इंडिया में फिट इंडिया मूवमेंट के, इनको कौन सा अवार्ड मिला था? फर्स्ट अवार्ड है ये जम्मू कश्मीर से, द्रोणाचार्य अवार्ड, खेल रत्न, ध्यानचंद खेल रत्न, साहित्य अकेडमी। इनको जो अवार्ड मिला वो मिला द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है कोचिज को, ठीक है। तो कुलदीप हांडू जी को ये अवार्ड मिला है, जो फिट इंडिया के एम्बेसडर भी हैं इंडिया में, श्रीनगर बेस्ड हैं, और ये किसके कोच हैं? हुशु के कोच हैं, और पहला द्रोणाचार्य अवार्ड इनको यूटी जम्मू कश्मीर से मिला। कुलदीप हांडू जी अपॉइंटेड है एज एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। कुलदीप हांडू जी श्रीनगर में बेस्ड बॉर्न हुए हैं, फर्स्ट रिसिप्टेंट है हमारे जम्मू कश्मीर से जिनको ये अवार्ड मिला। फॉर्मर वुशु एथलीट जिन्होंने 11 गोल्ड मेडल जीते थे नेशनल लेवल पर, 6 इंटरनेशनल स्टेज पर जीते हैं वुशु कोच ऑफ टीम इंडिया ने, जिनको इन्होंने प्रिपेयर किया था। इनकी ही गाइडेंस में एथलीट्स ने 2 गोल्ड मेडल जीते वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एक वर्ल्ड कप भी जीता। इन्होंने इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस भी सर्व किया है जम्मू कश्मीर में। कुलदीप हांडू जी ने रिसीव किए हैं बहुत सारे अदर अवार्ड जैसे कि जम्मू कश्मीर पुलिस मेडल अवार्ड फॉर मेरिटोरियस सर्विस,
परशुराम अवार्ड भी मिला है इनको स्पोर्ट्स के ऑनर में इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश से इनको परशुराम अवार्ड मिला है। फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें, नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था फिट इंडिया मूवमेंट अगस्त 2019 न्यू दिल्ली में, सो दैट जो इंडियंस हैं वो अपनी फिटनेस पर ज़्यादा फोकस कर सकें, डेली वो स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज वगैरह कर सकें हेल्दी और फिट लाइफ स्टाइल को जीने के लिए। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, अमर सिंह कॉलेज को मिला है अवार्ड ऑफ मेरिट इन द 2020 बाई विच ऑर्गेनाइजेशन। एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन इस अवार्ड का नाम है, WWF, UNDP, UNEP, UNESCO, यूनेस्को। इसका जो सही आंसर है वो है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, तो डी इसका सही आंसर है, यहाँ पे लिख लेंगे। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे देख लें। अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर को मिला है अवार्ड ऑफ मेरिट इन द 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। इट इज़ वन ऑफ द 7 अवार्ड विनर्स ऑफ द 2020 अवार्ड सिंह कॉलेज है, और फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड गिवन टू कल्चरल हेरिटेज इन कश्मीर। कश्मीर का पहला ऐसा इंटरनेशनल अवार्ड है जो कल्चरल हेरिटेज वाले इसमें कैटेगरी में मिला है। अवार्ड ऑफ मेरिट रिसीव्ड बाई पिंगयो डीजल इंजन फैक्ट्री चाइना में इनको भी मिला है। मालामेरी हॉल बिल्डिंग सेवा सदन सोसाइटी मुंबई इनको भी मिला है। अवार्ड विनर्स को अनाउंस करती हैं ज्यूरी, जिसमें 9 इंटरनेशनल कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स जो हैं बैठे हुए होते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं हम, यूनेस्को इंट्रोड्यूस करता है सो स्पेशल रिकग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 2020। यूनेस्को ने इंट्रोड्यूस किया स्पेशल रिकग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 2020। ये है सुंदर नर्सरी ऑफ न्यू दिल्ली मुंबई, इनको भी मिला है, मुंबई को भी मिला है, न्यू दिल्ली को भी मिला है। सुंदर नर्सरी को मिला है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है दिल्ली का, जिसको 2 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिल चुके हैं कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए। बात करें यूनेस्को की, डायरेक्टर जनरल है ऑड्री ओजुले, हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस, मेंबर है 193 मेंबर इंक्लूडिंग इंडिया, और 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं, ये भी आप याद रख सकते हो। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है वो है, इंडिया ने ऐड किया है लद्दाख का सोकर लेक कॉम्प्लेक्स टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स, ठीक है, रामसर साइट की लिस्ट में। लास्ट वीडियो में मैंने रामप्पा टेम्पल को रामसर साइट कहा था, ये रामसर साइट नहीं है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो आप थोड़ा सा कहीं पे मैंने बोला है वीडियो में तो आप ठीक कर लेना, ठीक है। तो रामप्पा जो है तेलंगाना में, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, रामसर साइट नहीं है, ठीक है। तो ये सोकर लेक कॉम्प्लेक्स जो है रामसर साइट की लिस्ट में ऐड हो गया है लद्दाख का, और ये इंडिया का 42nd ये बन गया, रामसर साइट बनी थी। लद्दाख की ये कौन सी रामसर साइट है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, लद्दाख की ये दूसरी रामसर साइट है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सेकंड। अब पहली कौन सी है, पहली है सो मुरोरी रामसर साइट, अब सो कर भी बन गई है, बी इसका सही आंसर है। यहाँ पे देख लो, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर जी अनाउंस द सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इन चंगथान रीजन लद्दाख हैज़ बिन एडेड टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट। ये इंडिया की 42nd साइट है, लद्दाख की ये सेकेंड रामसर साइट है। सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है ये 2443rd साइट है रामसर के अंदर। सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स में 2 प्रिंसिपल वाटर बॉडीज हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टार्ट सपुक सो अ फ्रेश वाटर लेक एंड सो कर अ हाइपर सलीन लेक। आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। स्टार्ट सपुक सो एक फ्रेश वाटर लेक है, सो कर एक हाइपर सलाइन लेक है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये 4500 मीटर्स अबव सी लेवल सिचुएटेड है। इंडिया हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट इन साउथ एशिया, दैट इज 42। अभी रिसेंट वाला डेटा भी आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। चलो, द नेम सोकर का मतलब होता है वाइट साल्ट, ठीक है, ये या आप याद रखना। सोकर एक
A1 कैटेगरी इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है एज पर द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एंड इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर स्टॉप ओवर फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स इन द सेंट्रल एशियन फ्लाई वे. नवंबर 2020 में सुर सरोवर लेक इन आगरा उत्तर प्रदेश, लोनार लेक इन महाराष्ट्र, इनको भी 40th एंड 41st रामसर साइट्स इंडिया में ऐड किया गया. 2020 में सोमोरी लेक, मुरोरी या फिर माउंटेन लेक, यहाँ पे देख लो इंपॉर्टेंट है. माउंटेन लेक किसको कहते हैं, बाई नेम्स आते हैं ना एग्जाम में, तो माउंटेन लेक कहते हैं मुरोरी लेक, मुरोरी को. और जो फर्स्ट साइट है लद्दाख की जिसको रामसर रिकग्निशन मिला था. बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ये एक ऐसी साइट्स हैं जो लार्ज नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़ के लिए हम बनाते हैं, जैसे कि एंडेंजर्ड जो भी स्पीशीज़ हो गए, स्नो लेपर्ड हो गया, एशियाटिक वाइल्ड डॉग हो गया, ये सभी जो हमारे स्पीशीज़ हैं, थ्रेटेंड स्पीशी हैं, जो एंडेंजर्ड हैं, एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, वहाँ पर हम इनको रखते हैं. इंपॉर्टेंस क्या है वेटलैंड की, वेटलैंड जो है वाइटल होते हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. वेरियस स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एनिमल इन पर डिपेंड होती है. रामसर कन्वेंशन का जो डेफिनेशन है वो लेक्स, रिवर्स, अंडरग्राउंड एक्विफियर, स्वैम्प, मार्शीज, इन सबको इंक्लूड करता है अपनी लिस्ट में. इट ऑल्सो एड ह्यूमन मेड साइट्स भी इसमें आ सकती हैं, जैसे कि फिश पॉन्ड, राइस पैडीज, रिजर्वॉयर्स एंड साल्ट पैंस. रामसर कन्वेंशन की बात करें तो इसको कब साइन किया गया, 1971 में ईरान में एक रामसर जगह है वहाँ पर इसको साइन किया, और ये फोर्स में आया था 1 फरवरी 1982 में. इसका जो एम है वो है क्रिएट करना ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड, ताकि हम बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें और एक सस्टेन ह्यूमन लाइफ जी सकें. वेटलैंड्स विच आर ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस, उनको हम रामसर साइट्स डिक्लेयर करते हैं. प्रकाश जावड़ेकर जी, यूनियन मिनिस्टर, अनाउंस किया सुर सरोवर को कि ये कीथम लेक भी कहते हैं. तो सुर सरोवर को कीथम लेक, आगरा उत्तर प्रदेश, लोनार लेक, ये ऐड किए थे, ये आपको पता है. रामसर कन्वेंशन की बात करें, ग्लांट स्विट्जरलैंड में इसका सेक्रेटरीट है, मार्था रोजस उरेगो इसके सेक्रेटरी जनरल है. ठीक है गाइस, आई थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. एंड अभी हमारे हो गए हैं कंप्लीट पूरे जनवरी से दिसंबर तक के करंट अफेयर, ठीक है, जनवरी से दिसंबर तक के करंट अफेयर मैंने करवा दिए हैं. तो आपके करंट अफेयर कंप्लीट हो गए हैं जनवरी से दिसंबर तक के. आई होप आपने सभी वीडियोस देखे हैं. आज मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी वीडियो बनाने की, बीमार हूँ तो, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि 20 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, आपको रिवीजन भी करना होगा, तो मैंने ये वीडियो दे दिया है. आई होप टाइम पे अपलोड भी हो जाएगा एंड आप इसको देखेंगे भी. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स.